नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ अनिल बंजारिया, सक्सेस इंस्टिट्यूटनी आपणी यूट्यूब चैनल पर आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 10 की अंदर आपणे सामाजिक विज्ञान की अंदर बात कर रहा छे। आपणो चैप्टर चाली रह्यो छे प्रकरण 9 वन अने वन्य जीव संसाधन। आनी पहेलाना पार्ट 1 की अंदर आपणे निर्वनीकरण ए निर्वनीकरण की असरो अने ए वन संरक्षण उपायों विषे जोई गया था। वन अने वन्यजीव संसाधन पाठनो आ पार्ट 2 छे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आजना टॉपिक तरफ आगळ वधीए। आजनो टॉपिक जे आपणे भणवानो छे ए टॉपिक छे वैविध्यसभर वन्यजीव। एमां आगळ वधीए, पहेलो मुद्दो, विश्वमां पशु पक्षी ने लगभग 15 लाख जेटली प्रजातिओ छे, तेमाथी 81,251 जेटली प्रजातिओ खाली भारत में जोवा मळे छे। विद्यार्थी मित्रों, बहु समझो जे वात छे, आंकड़ा याद रखो, 15 लाख ने 81,251, 15 लाख ऑल ओवर विश्वनी पशु पक्षीओनी प्रजाति अने 81,251 ए आपणी भारतनी अंदर जोवा मळती प्रजाति। आगळ वधीए, बीजो मुद्दो, जैव विविधता की दृष्टिए भारत 12मा स्थाने छे। जैव विविधता की दृष्टिए भारत 12मा स्थाने छे। भारत में एशिया, यूरोप अने आफ्रिकाना त्रणेय प्रकारना वन्यजीवो जोवा मळे छे। भारतनी अंदर एशियाना, यूरोपना अने आफ्रिकाना ए त्रणेयमां जे जोवा मळे छे, त्रण प्रकारना वन्यजीवो आपणा भारतमां जोवा मळे छे। चौथो मुद्दो, आफ्रिकाना जरख, चिंकारा, यूरोपियन वरु, जंगली बकरियों, काश्मीरी मृग, एशियाना हाथी अने गिबन के जे एक वांदरानी जात कहेवामां आवे छे, ए आपणा भारत में जोवा मळे छे। पांचमो मुद्दो, भारतना जैव विविधतामां काळा रंगना रीछ, एक सींगी भारतीय गेंडो, हरण, विविध प्रकारना साप, मुख्य पक्षीओमां जोईए तो मोर, घोराड, बाज, कलकलियो अने सारस जोवा मळे छे। હિમાલયના ઊંચાઈ પર જોવા મળતો હિમદીપડો અને ત્યાં જ શીતવનોમાં, ઠંડા વનોમાં જોવા મળતો આ લાલ પાંડા એ પણ આપણા ભારતની અંદર જોવા મળતા પ્રાણીઓ છે। દુનિયામાં વર્તમાન સમયમાં ભારત એક જ એવો દેશ છે કે જેમાં વાઘ અને સિંહ એના નેચરલ એટલે કે કુદરતી આવાસમાં વિચરે છે। बाकी बदे प्राणी संग्रहालय में तमने जोवा मळशे। बाकी कुदरती आवास में जो कोई जोवा मळता होय जग्याए तो ये भारत एक ज स्थळे एवुं छे ज्यां सिंह अने वाघ एमना नेचरल प्लेस नी अंदर विचरे छे, विचरे एटले रहे छे, फरे छे। आठमो मुद्दो, शियाळा दरमियान राजस्थान में केवलादेल राष्ट्रीय उद्यान अने गुजरातना नळ सरोवर जेवा जलप्लावित विस्तारों में यायावर पक्षीओ दूर दूर थी शियाळो गाळवा आवे છે। કદાચ નળ સરોવર કોઈ ગયા હશે તો એને આઈડિયા હશે, મેં પિક્ચર પણ નીચે મૂકેલા છે, તમે જોઈ શકો છો। નવમો મુદ્દો, ઓરિસ્સાના રેતીના તટે સમુદ્રી કાચબા ઈંડા મૂકવા આવે છે। આ સમુદ્રી કાચબાનું પિક્ચર છે અને આવી રીતે એ લોકો ઈંડા મૂકવા આવતા હોય છે દરિયા કિનારે। ભારતીય અજગર અને વિવિધ પ્રકારના સાપ તથા દક્ષિણના ગીચ વર્ષાવનોમાં રાજનાગ જોવા મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે આપણું ભારતની અંદર જોવા મળતું વૈવિધ્યસભર વન્યજીવન હતું। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળની માહિતી આપણે આગલા વિડીયોમાં જોઈશું। આભાર।